हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 DIY ब्यूटी ट्रिक्स यूजिंग कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल की मदद से कैसे अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा इजी बना सकते हैं और उसे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो से। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें सारे लेटेस्ट वीडियोस आसानी से देखने के लिए। पहली कोकोनट ऑयल रेमेडी में हमें इस्तेमाल करना है नारियल के तेल का और शक्कर का। हम नारियल के तेल और शक्कर की मदद से एक स्क्रब बना रहे हैं, इसलिए आपको जहाँ भी अपने शरीर पर स्क्रब का इस्तेमाल करना है आप उस आवश्यकता के अनुसार नारियल तेल और शक्कर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे नारियल तेल को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नारियल तेल हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और हम शक्कर को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे शरीर पे मौजूद डेड स्किन को हटा देता है। तो नारियल तेल और शक्कर का आपको एक मिक्सचर बना लेना है। अब इस मिक्सचर को यानी स्क्रब को आपको अप्लाई करना है अपने शरीर के किसी भी हिस्से पे जहाँ पे आप डेड स्किन को हटाना चाहते हैं। आप इसे 5 मिनट तक मसाज करें और 5 मिनट बाद आप इसे किसी भी सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी डेड स्किन बहुत आराम से रिमूव हो चुकी है। दूसरी रेमेडी में हम नारियल तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं लिप बाम के तरीके से। अगर आपका लिप बाम ख़त्म हो गया है पर आपके होंठ बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप नारियल तेल को लिप बाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नारियल तेल के अंदर बहुत ही अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस वजह से यह आपके फटे हुए होठों को नरम और बहुत खूबसूरत कर देगा। तीसरी रेमेडी में हम नारियल तेल का इस्तेमाल करेंगे टूथपेस्ट के तौर पे। हमें नारियल तेल को अपने टूथब्रश में लगाना है और उससे हमें 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना है। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नारियल तेल के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से हमें ये दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं से और दर्द से छुटकारा देता है। ये आप रोज कर सकते हैं और इससे आपके दांत और भी ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत हो जाएंगे। अगली रेमेडी में हम नारियल तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं बालों में लगाने के लिए। आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से नारियल तेल ले लीजिए और उसे गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद आप उस नारियल तेल में थोड़ा सा नींबू का रस डाल लीजिए और इससे अपने बालों की मसाज करिए। आप देखेंगे कि आपके बालों के अंदर मौजूद इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। जिनके भी सर में जू होती है या फिर डेंड्रफ की शिकायत होती है, उन्हें नारियल तेल से अच्छा इलाज नहीं मिल सकता है। वो नारियल तेल से अपने बालों में मसाज करें, उनकी बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और उम्र से पहले आए हुए सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे। आखिरी रेमेडी में आपको इस्तेमाल करना है नारियल तेल का नींबू के रस के साथ। आप नारियल तेल में नींबू के रस को मिला लीजिए और उसके बाद उस तेल को आप इस्तेमाल करिए अपनी बॉडी पे मसाज करने के लिए। नींबू के रस में विटामिन सी होता है, जिस वजह से ये एक बहुत ही अच्छा स्किन मॉइस्चराइजर का काम करता है और हमारे स्किन के ग्लो को बढ़ाता है। इसी के साथ साथ नारियल तेल और नींबू का रस मिल के हमारी बॉडी के नेचुरल पीएच को बैलेंस करके रखता है, इसलिए आप नारियल तेल और नींबू के रस को एक मॉइस्चराइजर के तौर पे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपके स्किन को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे सजेस्टेड वीडियोस को क्लिक करें। सी यू सून। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।